झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक विवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा छत से फेंकने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में घायल विवाहिता को इलाज के लिए झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित विवाहिता के पिता झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 34 निवासी इरफान ने बताया कि उसकी बेटी की शादी करीब 4 साल पहले नवलगढ़ के आदिल के साथ हुई थी। शादी में उसने 10 लाख रुपए का कर्जा कर धूमधाम और बड़े चाव के साथ अपनी बेटी का निकाह किया था, लेकिन शादी के बाद से उसका पति आदिल, सास नसीम, ससुर अब्दुल्ला तथा ननद आयशा ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। लगातार प्रताड़ित करते करते हालात यहां तक आ गए कि अब उसकी बेटी शमीम को ससुराल वालों ने छत से फेंक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। घटना की सूचना महिला थाने को दी गई। पुलिस ने घायल महिला को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया है। और 6 बजे मैंने दे दिया, लेकर ननद और सासू घीस के लेकर और मैंने धक्का मार दिया। 7 पर सर, 7 पर लेकर गई घसीट कर और फिर मैंने धक्का मार दिया। फिर के बाद में मेरा आदमी भी साथ था और मना फिर के बाद में उठा कर लेकर आए। जब मैंने मेरे घर का के खिलाफ बुलाई, बोले तेरे घर का के खिलाफ और नहीं ठोकेंगे जोर जोर से, और डोकड़ा की मारी, झाड़ू की मारी, सासू बेतमीजी करने लगी। मेरी सासू का नसीम नाम है, मेरी ननद का आयशा नाम है, मेरे ससुर का अब्दुल्ला नाम है, मेरा आदमी का आदिल नाम है। तो तू मारा पिटी करते था ना? मैंने मारा पिटी करी, 2 साल से मारा पिटी करता वो मेरे साथ। क्यों? बोले मैंने उन्हें देश देखा हूँ, वो लेखा हूँ, मेरा बाप 10 लाख रुपये खर्चा करता है, मेरी शादी करी, हर चीज़ गई, मना बोला गाड़ी लेकर हो, कार लेकर हो, वो लेकर हो, नई नई गाड़ी के नाम लेता हूँ, साफ मन तो नाम भी कुनी आवा, और मेरा 3 महीना का छोरा ना रखा था, मना मेरी सासू दिए ही कुनी, भले माता ने छोरा देऊंगी कुनी, मेरा ही बनाऊंगी, मेरा बेटा आया। मेरी बेटी का समीर नाम है साहब, और नॉर्मल भेजी है, और 7 वर्ष से क्योंकि सास और ससुर का आदमी इसको घेर दी, 3 माड़े के ऊपर से। क्यों घेर दी? देश के मामले में घेरते साहब, इन रोज़ की मारा कुटी करते थे, तो मोटरसाइकिल लिया, वो फड़ान लिया, डिकड़ी लिया, इन रोज़ की मारते थे, जो खूब दे दिया 10 लाख रुपये, मतलब ब्याज के जाकर इन्हें सिर करके इन्हें ब्याई थी, और भी बाद में देश के चक्कर में इन्हें मारने की सोच रहे थे जान से। अब देखिए तो बच्चा भी नहीं दिया इसका, 3 साल का बच्चा है इसके पास ही, मानता शक्ल भी नहीं दिखाई बच्चे की। अब देखिए तो मैं तो देश के लिए देश लाना चाहूँगा, और क्या सब इलाज चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। बोला बोला संतोष नगर वार्ड नंबर 15 झुंझुनू। कल पीड़िता के पिताजी है समीर बानो, उसके पिता यहाँ थाने पर रिपोर्ट लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ये इसका परिवारिया का ससुराल नवलगढ़ है, तो उसके साथ उन्होंने मारपीट होना बताया है और उसके देश के लिए प्रताड़ित करना बताया है। तो जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई, जिसमें अनुसंधान जारी है, और नियमानुसार जो कार्रवाई की जाएगी वो अमल में की जाएगी।